हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमृता सिंह और सैफ अली खान एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों ने शादी भी की थी, लेकिन 13 सालों की सफल शादी के बाद दोनों अलग हो गए थे। लेकिन सैफ आज भी अमृता सिंह को बहुत याद करते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब अमृता सिंह ने उनकी बहुत मदद की थी। आपको एक वाकया हम आज बताने वाले हैं कि एक बार सैफ अली खान को अपनी फिल्म के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। दिल चाहता है फिल्म करने वाले थे सैफ अली खान और लीड रोल में थे, और उन्हें अपने रोल को लेकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा डर रहे थे। जिसके बाद अमृता सिंह ने उन्हें ये सलाह दी थी कि खुद पर आत्मविश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। जिसके बाद सैफ अली खान ने इस फिल्म में लीड रोल निभाया और ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में आपने सैफ अली खान के साथ आमिर खान और अक्षय खन्ना को भी देखा होगा। इस फिल्म में इन तीनों को काफी ज्यादा पसंद किया गया है। जी हाँ, सैफ अली खान आज भी अगर अमृता सिंह के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि अमृता सिंह ने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की है, बहुत ज्यादा मदद की है। लेकिन आपको बता दें कि जब उनकी शादी हुई 13 साल बाद, यानी कि 2004 में इनका तलाक हो गया। जी हाँ, जब इनकी शादी हुई थी उस समय सैफ महज 20 साल के थे। काफी छोटी उम्र में उन्होंने अपने से बड़ी 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की थी। सैफ और अमृता के दो बच्चे भी हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। जी हाँ, और अब अमृता सिंह से तलाक लेने के बाद उन्होंने करीना कपूर से शादी की, और करीना कपूर से भी उन्हें दो बच्चे हैं, तैमूर और अभी उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ है। लेकिन जब भी वो अमृता सिंह के बारे में बात करते हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि अमृता ने हमेशा मेरी बहुत मदद की है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।